Good morning, Safar. Good morning, Sakshi. okay uh, good morning gavin gavin is here yusra is here okay good morning yusra okay so what we will do uh, without uh, like uh, wasting any time we will just begin and we will let everybody join okay uh, so yesterday uh, we kind of reviewed uh, the whole chapter uh, what will be in the, in the chapter so today we will just go through it

ओके मैन्युस्क्रिप्ट इसे बोलते हैं तो हम ऊपर चैप्टर में देखेंगे अभी अजंटा वी ऑल नो अजंटा आर बुद्धिस्ट केव्स इन महाराष्ट्र फेमस फॉर वॉल पेंटिंग्स स्कल्पचर्स डेटेड इन सेकेंड सेंचुरी एडी फिर टेम्परा क्या होता है टेक्निक ऑफ वाटर कलर इन विच व्हाइट इज मिक्सड ओके सो टेम्परा एक टेक्निक है वॉटर कलर की जैन और रिलीजन प्रीस्ट मेनली बाय महावीरा एंड अदर Uh, तीर्थ काराज तो जैन लोग आपको तो सबको पता ही होंगे एज यू लिव इन महाराष्ट्र ट्रेजर वेल्थ होती है कैलिग्राफी क्या होती है वी ऑल नो स्टाइल ऑफ हैंडराइटिंग पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग ओके तो एक स्टाइल है राइटिंग की और उसको इसमें और डिस्क्रिप्टिव uh, उसमें बोला गया है कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग को भी कैलिग्राफी इसमें कहा गया है ओके सो लेट्स सी

ईज आदित्य हिस्र इन द्लास साक्षीयर गैविन सुमेला भरत आलिया ओके सो आदित्य येस्टडे सेंट मी दी डी एफ कॉपी सो आई होप एवरीबडी सॉ इन द ग्रुप लाइक ही कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर सो मुझे बस इतना कहना है कि सी हीड अ ग्रेट सो आदित्य जिस जॉइनिंग रेट ही डीड ए ग्रेट जॉब उसने तुरंत सब कंप्लीट कर लिया बट जब हम ये पेंटिंग का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मुझे बस इतना कहना है कि मार्क्स अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपको ये पूछ रहे हो और वो क्वेश्चन पांच मार्क का हो या छह मार्क का हो तो उस हिसाब से आप उसको लिखना ओके सो आदित्य ने क्या आदित्य रोटेटेड फोर लाइन्स ओके सो सी उसकी राइटिंग आदित्य की राइटिंग भी मींस थोड़ी सी छोटी इसलिए वो जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा इसके दिख नहीं रहा है तो अगर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है सेवन मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो थोड़ा जो है ना आंसर हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो उसे बस इलाबरेट करते हुए कि आप बस लिख देना ये टेम्पर मीडियम था ये एटीन सेंचुरी में था ऐसा था वैसा था बहुत ब्यूटीफुल था थोड़े से एक दो लाइन उसमें ऐसे ऐड कर लेना क्योंकि फिर आपका आंसर ना वो मार्क्स के हिसाब से बराबर लगेगा नो नीड टू अपोलोजाइज आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो बराबर लिखे हैं बस अगर एग्जाम uh, में ऐसा आता है कि क्वेश्चन जो है फाइव मार्क्स का हो ओके okay? अगर वो टू मार्क्स थ्री मार्क्स का हो तो आपने आंसर लिखे वो बराबर लिखे ठीक है बट अगर पांच मार्क का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा ना नहीं तो एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा ओके okay? तो उसमें मैं बस इतना कह रही हूं कि आपने बराबर लिखा है बस अगर एग्जाम में ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर देना ओके okay? दो तीन लाइन्स जो आपको वो क्वेश्चन के बारे में पता है ओके okay? येस yes. सबके लिए मैं यही बोल रही हूँ ठीक है तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप लिखना तो नहीं तो ऐसा नहीं फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ दो लाइन पता है तो आप दो लाइन का लिख के आगे तो एग्जामिनर मार्क्स कैसे देंगे ना आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे पाएगा तो इस हिसाब से आपको मतलब आपको आता भी है और आपने बस इतना लिखा तो मीन्स एक होता है एग्जामिनर जब चेक करता है उसको समझ भी नहीं आता कि इसको मार्क्स कैसे दे सो थोड़े से दो तीन लाइन्स एड कर देना क्योंकि हम एक एक टॉपिक के ऊपर हम इतना मतलब दो दो तीन तीन पैराग्राफ सीख रहे तो एटलीस्ट हम दो तीन लाइन्स तो हमारे ऐड कर ही सकते हैं सो so, यर गुलेर वाज स्मॉल स्टेट नियर कंगारा वैली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स गुड मॉर्निंग मेवाड़ ओके दिस स्टाइल फ्लरिश बिटवीन फोर्टीन फिफ्टीन एडी ंगडमेंट स्टेटर इन्फ्लु एंड मुगल मीनिए गुलेर पेंटिंग रीच इट्स मैचोरिटी इन एटीन सेंचुरी तो ये देखो अभी मैं आपको फिर से ये आंसर आपको कैसे लिखना अगर ऐसे आया होगा तो ये देखो ये बिगनिंग कहाँ से करते वो करते हैं कि पहले कौन से स्टेट में था ओके स्टेट डिफाइन करते हैं फिर स्टेट के बाद वो लिखते हैं कि कहाँ पे था कंगारा वैली में था फिर कहां से उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट सेंटर है कहाँ से अडोप्ट किया था ये स्टाइल तो ये बोल रहे हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से अडोप्ट किया था ये जो स्टाइल है कब फ्लरिश हुआ फ्लरिश हुआ मतलब कब सब लोगों के पास आया और उसे उसका ज्यादा इस्तेमाल कर करने लग गए तो फिर वहां पे वो डेट लिखते हैं फोर्टीन फिफ्टी एडी टू सेवनटीन एटी एडी Uh, और यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं किंगडम so, के उनके अंडर आके उन्होंने uh, मतलब ये जो आर्ट है उसे और सहारा और डेवलप किया गुलेर वेंट थ्रू फिर बोल रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस के डेवलपमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ ये नहीं अभी सपोज आ, आज हम कोई भी पेंटिंग देखते हैं या फिर कोई भी आर्ट देखते हैं या फिर कोई भी चीज देखते हैं या फिर फैशन में लाइक मेनी ऑफ यू माइट हैव लाइक फैशन में देखते हैं कि पहले लाइक uh, वो बेल बॉटम पैंट्स थी फिर वो शॉर्ट बॉटम पैंट्स थी फिर लाइक लो वेस्ट पैंट्स थी फिर हाई वेस्ट पैंट्स थी uh, अभी वो मीडियम वेस्ट टाइप आ गई है व्हाटएवर ओके okay? अभी थोड़ी लूज पैंट्स आ गई है डिफरेंट डिफरेंट नाउ रिप्ड जींस हैज कम तो ऐसे ही इसमें कैसा था ये जो गुलेर मिनिएचर जो था ये बोल रहे हैं कि वो जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू गया कभी उस, उन्होंने ऐसे बनाया कभी उन्होंने अलग तरीके से बनाया फिर उन्होंने कहा कि इनका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था फोक आर्ट पे आ, मुगल मिनिएचर स्टाइल का था तो गुलेर पेंटिंग रीच उसकी जो मैच्योरिटी है एक मैच्योरिटी कब आ गई उसकी एटीन सेंचुरी एडी में आ गई ठीक है अकॉर्डिंग टू समलर्स द पहाड़ी स्कूल है Uh, in Guler, uh, which influenced many other Pahari uh, schools like Kangara, Guler painting are characterized by genuine uh, romanticism of uh, myth of Krishna and Radha, which is still living symbol of divine love. Stories of Ramayana and Mahabharata were also used as the themes of Guler paintings, along with royal portraits and court scenes. The paintings, uh, the painting Shringar is typical Rajput painting with such a theme. So, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि Guler अभी suppose कोई भी हम painting बनाते हैं या फिर कोई भी art बनाते हैं तो उसको एक लेते हैं कोई portrait होता है एक ही person को लेता है but यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो पहाड़ी school of Kangara है उसमें उन्होंने क्या किया एक इसका जेन्युअ जो ये था उसका रोमांटिसिज्म था मतलब जैसे अभी हम ये पेंटिंग देख रहे हैं so uh, like uh, मतलब नहीं uh, अच्छा फील करेंगे आप उस पेंटिंग को देख के अट्रैक्टिव फील करेंगे रोमांटिज्म मतलब uh, एक पर्सनल लाइफ के ऊपर एक फोकस किया जा रहा है ऐसा नहीं कि राजा महारानी बता रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं कि मतलब जो लेडीज है वो श्रृंगार कर रही है तो ये यहाँ पे ये ये पे कह रहे हैं कि ये जो पेंटिंग का स्टाइल था मोस्टली ऐसे ही ये जो पेंटिंग्स इसका थीम था, ये ऐसे ही पेंटिंग्स बनाते थे तो बोल रहे हैं कि कृष्णा राधा जो है स्टिल uh, जो लिविंग सिंबल है लव uh, का डिवाइन uh, लव का तो uh, और इसमें कौन से कौन से प्रकार के पेंटिंग्स वो बनाते थे ऐसे रामायण की पेंटिंग्स बनाते थे महाभारत के बनाते थे। तो ऐसे अलग अलग थीम्स भी उन्होंने ये गुलेर पेंटिंग्स में यूज किए थे ओके विथ रॉयल पोर्ट्रेट्स रॉयल के पोर्ट्रेट्स थे रॉयल रॉयल्टी के कोर्ट कोर्ट के सीन्स थे तो ये जो बोल रहे हैं कि पेंटिंग है श्रृंगार का इस टिपिकल राजपूत पेंटिंग विद सच थीम तो ये बोल रहे टिपिकल पेंटिंग है राजपूत की एक श्रृंगार थीम के साथ तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब तो एक ब्राइड अगेंस्ट आर्किटेक्चरल सेटिंग अ मेड इज प्रिपेयरिंग सैंडल पेस्ट इन द फोरग्राउंड तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये फिगर्स क्या क्या कर रही है पेंटिंग में तो पहले वो बता रहे हैं कि एक परफेक्ट हार्मोनी और बैलेंस अगेंस्ट एन आर्किटेक्चरल सेटिंग तो एक हारमोनी और बैलेंस देखो इसके आर्किटेक्चरल सेटिंग पीछे की जो है ये आर्किटेक्चरल सेटिंग है तो ये परफेक्ट हारमोनी है एक बैलेंस हमें दिख रहा है ये पेंटिंग में तो जब भी आप ये आंसर्स लिखोगे तो आपको ये सब ना ऐसे व्यक्त करते आना चाहिए इलाबोरेट करते आना चाहिए कि हमें पेंटिंग में ये ये दिख रहा है इतना बैलेंस है इतना हारमोनी है इतनी पीसफुल पेंटिंग है अः द पेंटिंग जो है थीम रोमांटिसिज्म का फॉलो करती है महाभारत रामायण कुछ कोर्ट के सीन्स आ गए कुछ पोर्ट्रेट्स आ गए ये सब इस प्रकार के गुलेर पेंटिंग्स में बनाए जाते थे तो ऐसा आपको इलेबरेट करते जाना है वो आंसर को के अकॉर्डिंग टू कितने मार्क्स का है नहीं तो ऐसे नहीं, दो मार्क का क्वेश्चन है और आप बहुत ज्यादा इलेबरेट करो दो मार्क का क्वेश्चन है तो आप बस थोड़ा सा इलेबरेट करो थोड़ा सा ही बोल दो कि वो बहुत और बैलेंस में है वो रोमांटिसिज्म थीम फॉलो करते थे uh, महाभारत और रामायण की भी थीम लेते थे उसमें और फिर बस इतना ही दो तीन लाइन में खत्म कर देना अगर पांच मार्क का है तो उसे और इलेबरेट करना फिर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ मेड इज प्रिपेयरिंग सैंडल पेस्ट

फिर वो उसमें बता रहे हैं फिर वो एक बता रहे कि एक जो मेड है वो जो ब्राइड है उसके हाथ हेयर जो है वो हेयर बना रही है और एक असिस्टेंट है नहीं आ, कुछ कुछ रखने के लिए हेयर का जो सामान है यहाँ पे एक असिस्टेंट है एक जो लेडी है उसके हाथ में कुछ पिना रही है यहाँ पे कोई तो गार्लेंट्स है फूलों की माला बना रहा है एंड शी ये भी लेडी कुछ तो कर रही है आई थिंक शी इज वीविंग समथिंग ओके तो ये ऐसे ही वो पेंटिंग को इलेबरेट कर रहे हैं यहाँ पे और एक एल्डरली वूमेन है लेट सी वेर इज द एल्डरली वूमेन एवरी वन मी इज लुकिंग यंग मे बी शी इज एल्डरली फीज सुपरवाइजिंग द होल प्रोसीजर ऐसे वो कह रहे हैं

जैसे मतलब पूरा जो इंसान से जैसे नहीं नाव डेज आई डोंट नो लाइक सी डोंट आई एम नॉट आई डोंट हैव एनी प्रिजुडाइसिस मोस्टली आजकल की लड़के इतनी शाय नहीं होती है uh, या फिर लाइक वी सी द ब्राइड्स दे आर लाइक वेरी मच नहीं ऐसे एकदम से बोल्ड uh, होती है कुछ कुछ ब्राइड्स तो यहाँ पे वो बता रहे कि वो जमाने का नहीं जैसे शाइनेस है कि लेडीज कितनी शाय है कैसे वो दिख रही है कैसे वो खुद को कैरी uh, कर रही है तो वो जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट ने ये बहुत ज्यादा उसे uh, अच्छे से बताया है और एक्सक्यू आई एम सॉरी राइट नाउ माई टंग इज नॉट रोल्ड सो आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड और uh, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी ये जो चीज है उन्होंने अच्छे से पिक्चराइजेशन uh, किया है इसका ओके okay. ओके ग्रेसफुल फेसेस है एटीट्यूड्स है uh, उनके कैसे सॉफ्ट हार्मोनी है कलर्स और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं फिर हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट हमारा है जेन मीनिएचर तो जेन मीनिएचर अभी ये पेंटिंग भी आप क्या कीजिए थोड़ी सी ऑब्जर्व कर लीजिए वी कैन सी एन एलिफेंट मीनस येर इज वूमेन विथ अ बेबी योर देर इज अ बेबी एंड वूमेन लाइक लेट सी ओके तो ओके आई होप एवरीबडी है ये जो पेंटिंग है इसका नाम है कल्पसूत्रा ओके okay? आर्टिस्ट हमें पता नहीं है स्टाइल इसकी है जेन मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग मतलब क्या है जिसमें कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई है उसे मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं Uh, कब की uh, कब की पेंटिंग है पीरियड है फिफ्टीन सेंचुरी एडी का मीडियम इसका क्या है सेम टेम्परा ऑन ओके टेम्परा मतलब व्हाइट कलर को उसको डाल के ये किया गया है तो अभी यहाँ पे हम जानेंगे जैन मिनिएचर वेर डेवलप्ड ऑल ओवर इंडिया इन सेवेंथ सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ था एंड रीच द मैच्योरिटी इन टेंथ सेंचुरी एडी सेवेंथ सी कितना डिफरेंस है सेवेंथ सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और 10th सेंचुरी में इस पेंटिंग को मैच्योरिटी मिली थी एंड 15th सेंचुरी इट इज जैन स्क्रिप्चर्स लाइक कलाचर्य कथा एंड कल्प आर इलस्ट्रेटेड विथ इमेजेस ऑफ तीर्थ कराज लाइक पराश्वनाथ नेमीनाथ एंड ऋषभनाथ एंड अदर्स तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो कला चर्या कथा है ओके okay? ये कथा वो बताए जा रहे हैं एंड कल्प ये जो इलेस्ट्रेट किया गया है तो इलेस्ट्रेशन जो होते हैं ये जो फिगर्स होते हैं उसको इलेस्ट्रेट बोलते हैं uh, तो दे हैव इलेस्ट्रेटेड द इमेजेस ऑफ तीर्थकार जो तीर्थकार है उनको जो है वो इलेस्ट्रेट किया गया है लाइक परशुनाथ ओके नेमीनाथ ऋषभनाथ एंड अदर्स तो मे बी जो जैन होगा दैट uh, पर्सन जो है वो ज्यादा इलाबरेटली इनके कल्चर के बारे में बता पाएगा सो आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ जैन कल्चर सो मोस्ट ऑफ द जैन मीनिएचर्स वेर डन ड्यूरिंग टेंथ सेंचुरी एडी द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ दिस पेंटिंग्स वेयर पंजाब बंगाल ओरिसा गुजरात एंड राजस्थान तो आपको ये एक दो पॉइंट ऐसे याद रखना है कि कब इसका मीनिएचर uh, जो है कब बनाया गया था टेंथ सेंचुरी एडी में ज्यादा बनाए गए थे और इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ पे थे पंजाब में थे बंगाल में थे ओरिसा गुजरात और राजस्थान में दिस मैन्यूस्क्रिप्ट आर मेनली मेड ऑफ पाम लिफ पाम लिफ के ऊपर बनाए गए हैं सो द पेंटिंग आर ऑल्सो डन इट डन ऑन अलॉन्ग विद द द कलर्स आर मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल पिगमेंट्स रेड एंड येलो आर मोस्ट प्री डोमिनेंट शेड्स अलॉन्ग विद गोल्ड सिल्वर कलर्स the human uh, figures show some special characteristics in the painting the faces in the profile showing both eyes in frontal row thus one of the eyes uh, has gone beyond the outline of face okay तो इधर तक तो हम देखेंगे तो यहाँ पे वो पहले बता रहे हैं हमें कि ये जो स्क्रिप्ट आर्ट है ओके okay? तो इसमें एक आप देखोगे ये पेंटिंग को स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कोई स्टोरी बता रहे किसी चीज के बारे में हमें पिक्चराइजेशन दे रहे किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज दे रहे हैं तब हम उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट आर्ट है ठीक है थीके? तो हमें यहाँ पे देखने के बाद तो समझ में आ रहा है कि ये पेंटिंग हमें कुछ बताना चाह रही है ओके okay, और फिर वो जो कंपोजिशन है वो बोल रहे है Uh, इसका जो कलर्स है कलर्स जो भी लोकली अवेलेबल कलर्स थे पिगमेंट uh, के उसके द्वारा किया गया है रेड और येलो कलर का बहुत ज्यादा यूज किया गया है अलॉन्ग विद सिल्वर और गोल्ड के साथ जो ह्यूमन फिगर्स है वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ये पेंटिंग में उनकी जो फेस है प्रोफाइल है शोइंग बोथ द आईज इन फ्रंटल व्यू तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पेंटिंग में कैसे बता रहे हैं कि फ्रंट व्यू में कुछ कुछ में देखो ऐसे बोथ आइज बता रहे यू कैन सी हर दिख रहे है? दोनों आंखें दिख रहे हैं पेंटिंग्स में ओके okay? इधर भी ऐसे दोनों आंख दिख रही है इसकी नहीं दिख रही है और ये बेबी की नहीं दिख रही ओके सो ये वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इलाबरेट कर रहे हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व किया पेंटिंग में दस वन आई हैज गॉन बियॉन्ड द आउटलाइन ऑफ द फेस यस ये भी उनका ऑब्जर्वेशन लाइक इट्स वेरी मतलब सही बोला है उन्होंने क्योंकि एक आईज जो है अभी सपोज हमारी एक आईज है ऐसे दिख रही है तो एक आईज इस फेस के अंदर आ रही है बट इनकी एक आईज देखो इन्होंने कैसे ड्रॉ की है एक आईज जो है फेस के बाहर जा रही है कैन यू ऑल नोटिस इट ओके सो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन किया है और वो बताया देखो ये जो ये साइड की आईज है ये थोड़ी सी बाहर जा रही है इट्स गोइंग आउट आउट ऑफ द फेस जैसे अभी सपोज मेरी ये आंख है सो विल जस्ट टेक माई हेडफोन्स So it's coming out here, okay, in the painting like this. फिर वो बता रहे हैं द टॉर्सेस ऑफ द फिगर्स आर ऑल्सो इन फ्रंटल पोज इंटरेस्टिंगली फीमेल फिगर्स शो अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज ऑन देम लाइन्स आर गिवन ऑलमोस्ट एम्फेसिज इन दिस पेंटिंग तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है फ्रंट पोज है जो फीमेल फिगर्स है उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहनी पहनी है और लाइन्स आर गिवन ऑलमोस्ट एम्फोसिस इन दिस पेंटिंग्स तो यहाँ पे देखो हम फिर से इसको देखेंगे कि फीमेल फिगर्स ने वी कैन सी देखो कितने बड़े बड़े इयर पहने हैं सब पहने हैं और इसमें ऐसे लाइन्स का भी जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ये पेंटिंग में लॉट ऑफ लाइन्स इन दिस पेंटिंग पेंटिंग ऑफ कल्पसूत्रा अ जैन बुक रिचुअल तो ये पेंटिंग क्या है एक कल्पसूत्र की पेंटिंग है, एक जैन बुक है उसमें एक रिचुअल है ओके द कंपोजिशन ऑफ दिस पेंटिंग स्पेस इज डिवाइडेड इनटू फ्यू स्कर्स एंड रेक्टेंगल्स तो इसके स्पेस कैसे डिवाइड हो गई हुई है जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल में डिवाइड हुई है द फिगर्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड एनिमल्स आर सेट अगेंस्ट रेड बैकग्राउंड टू बैकग्राउंड इसका रेड है ईच सेगमेंट ऑफ फॉर्मेट इज आउटलाइंड with yellow कलर फॉर्मेट किससे किया है सेगमेंट येलो कलर से किया है तो ये जो भी हम पेंटिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं वही हमें जो है वो लिखना है ओके देखो ये फॉर्मेट उसका देखो स्क्वायर और वो किससे करे येलो कलर से इसका पार्टीशन किया गया है तो यही यहाँ पे इन्होंने लिखा है अः ईच सेगमेंट नरेट डिफरेंट सिक्वेंस ऑफ स्टोरी ऑफ कल्पोसूत्र जैसे हमारी कॉमिक बुक नहीं होती है इन अ काइंड ऑफ ये दिस इज काइंड ऑफ अ कॉमिक बुक यू कैन सी ओके okay, नहीं एक पार्ट में एक स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे एक हाउस बता रहा है यहाँ पे दो लोगों को बिठाया हुआ दिखा रहा है यहाँ पे कुछ एनिमल्स बता रहे हैं फिर नीचे फिर से एक स्टोरी बता रहे हैं कॉमिक में अलग अलग पार्ट में ऐसे कर रहे हैं तो लाइक यू कैन रिलेट टू इट एक्चुअली आई कैन तो वैसे उन्होंने किया है Where uh, the gold uh, and ultramarine uh, are derived from gemstones, uh, the style is full of folk elements like flatness of the form, stereotyped expression and lack of perspective. In spite of the artist observation of architectural patterns uh, and textile design is very interesting, the fluent lines and counter uh, क्या हो रहा है जो भी पहले के जमाने का आर्ट था उसे अप्रीशियेट किया जा रहा है उसकी तारीफ की जा रही है तो वो यहाँ पे यही बोल रहे है कि इसमें थोड़ा सा फ्लैटनेस उस है उसमें फॉर्म है स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन है मतलब नहीं लड़कियां ऐसे एक्सप्रेशन देती है Uh, पर थोड़ा सा लैक ऑफ पर्सपेक्टिव है इसमें इंस्पायर्ड द आर्टिस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चरल पैटर्न टेक्सटाइल डिजाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग जो टेक्सटाइल का डिजाइन है फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल डिजाइन क्या है हमने देखो फाइबर टू फैब्रिक में देखा था अभी सपोज ये मेरा साड़ी है साड़ी का ये क्या हो गया टेक्सटाइल डिजाइन हो गया तो यही बता रहे हैं कि इसका जो टेक्सटाइल डिजाइन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है द फ्लुएंट लाइन्स काउंटर यूज ऑफ डेकोरेटिव डॉट टू एनहस द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग बहुत अच्छे से किया गया है तो अगर हम ये थोड़े से बारीकी अगर ये कर दे तो ऐसा ये जो डिजाइन इन्होंने किया गया है इट्स वेरी एट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द आईज ओके सो एट दफ द डे जब आप ये आंसर लिखोगे तो आप इसको थोड़ा सा और उसको इलाबरेट करके थोड़ी सी इसकी तारीफ करके आप सब uh, लिख दोगे ओके नाउ लेट मूव ऑन ओके नाउ लेट्स टेक द ये कल मैंने ना इसका एक पिक्चर भेजा था आपके ग्रुप में ओके okay? सो so, ये है रास लीला ओके लेट्स सी टाइटल है भिष्णुपुर टेराकोटा आर्टिस्ट अनोन है साइड जो है पंचमुरा टेम्पल ओके विष्णुपुर वेस्ट बंगाल में है पीरियड कब का है अराउंड सेवन सेंचुरी एडी मीडियम इसका है टेराकोटा टाइल्स आज भी यू सी बहुत सारे आर्किटेक्चर में टेराकोटा जो टाइल्स है वो यूज किए जाती है तो अभी ये बता रहे हैं कि बिष्णुपुर जो है एक स्मॉल टाउन है वेस्ट बंगाल में तो जो भी अगर पेंटिंग आती है या फिर कुछ uh, आता है साइट पे तो उससे हमें कैसे बताना शुरू करना है कोई भी आंसर में कि कहाँ से वो आया है तो ये बोल रहे बिष्णुपुर क्या है एक छोटा टाउन है बंगाल वेस्ट बंगाल में वंस इट वॉज कैपिटल ऑफ द किंगडम इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ओके देर आर मेनी स्मॉल टेम्पल्स विच आर डेकोरेटेड विद टेराकोटा टाइल्स दिस टेराकोटा आर्ट रिफ्लेक्ट्स वेरियस कल्चरल रिलीजियस रिलीजियस करंट ऑफ एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी ए डी मोस्ट ऑफ टेम्पल्स आर डेडिकेटेड इधर टू शिवा और विष्णु द थीम ऑफ दिस टेराकोटा टाइल्स रिफ्लेक्ट डाइवर्जेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस फिगर्स ऑफ शिवा दुर्गा राधा कृष्णा आर सीन अला विद कैरेक्टर्स ऑफ रामायण एंड महाभारत तो यहाँ पे ये उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये विष्णुपुर क्या है एक गाँव है बंगाल में uh, तो ये जो एक बार कैपिटल हुआ करता था बंकुरा डिस्ट्रिक्ट का कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी बंकुरा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पल्स है उनको डेकोरेट किया गया है किससे डेकोरेट किया गया है टेराकोटा टाइल से डेकोरेट किया गया है तो ये जो टेराकोटा आर्ट है एक कल्चरल और रिलीजियस मतलब एक करंट है ऑफ एटीन और नाइनटीन सेंचुरी का जैसे पहले अभी ये अलग अलग प्रकार के आर्ट है तो बोल रहे एटीन और नाइनटीन सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल किया जा रहा था ये आर्ट को और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो टेम्पल्स है किसको डेडिकेटेड है शिवा को या विष्णु को डेडिकेटेड है और इसका थीम क्या होता है टेराकोटा टाइल्स वो जो थीम होता है जिससे वो बनाए जाते हैं और वो रिफ्लेक्ट क्या करता है ये डाइवर्जेंट ट्रेडिशंस रिलीजियस ट्रेडिशंस उसमें फिगर्स होते हैं किस के फिगर्स होते शिवा दुर्गा राधा कृष्णा रामायण और महाभारत के जो है वो फिगर्स किए जाते हैं और उसे बताया जाता है तो अभी हम जानेंगे The artist took keen interest to depict the contemporary social life as well. They represent various subject related to human, animal and bird life. तो देखो आ, हम ये पढ़ रहे हैं, but आप देखो कोई भी जो artist होगा आज तक कोई भी artist के आप depiction देख लो ये देख लो वो क्या करता है वो हमारी जो life है okay उसी को क्या करता है उसके कैनवास पे बोलो अभी ये टेराकोटा पे बोलो या फिर कुछ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसी को डिपेक्ट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आर्टिस्ट ने क्या किया है बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट लिया है कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए सोशल लाइफ मतलब जैसे अभी आजकल Movies होती है movies क्या डिपिक्ट करती है क्या करती आजकल का जो सोशल okay? होती है हमारी सोसाइटी की तो वैसे ही उस जमाने की जो सोसाइटी थी जैसे थी उसका रिफ्लेक्शन क्या करते हैं आर्टिस्ट उनके काम में लाते हैं ओके okay? वहां से वो इंस्पिरेशन लेते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट ह्यूम ह्यूमन को एक सब्जेक्ट माना जाता है अगर आप आर्ट आर्किटेक्चर ये जो चीजें पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि एक आर्टिस्ट होता है आर्टिस्ट का एक सब्जेक्ट होता है ओके वो सब्जेक्ट को लेता है वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है और फिर क्या करता है उसके काम में उसे लाता है उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है एक फ्रूट हो सकता है एक ह्यूमन हो सकता है एक एनिमल हो सकता है एक बर्ड हो सकता है और फिर उसको वो ऑब्जर्व करके वो क्या करता है उसके काम में लाता है तो यहाँ पे वही उसे इलेबरेट करके बताया जा रहा है मैं आपको ऐसे इलेबरेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप आंसर्स लिखोगे तो आपको ये जो आंसर्स है ना इसमें में मैं लिखते आने चाहिए आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ पे कौन सी लाइन डालू और कैसे किसी चीज को इलेबरेट करूँ कि आर्टिस्ट क्या है व्हाट इज पेंटिंग वो क्या ऑब्जर्व करते थे उनका सब्जेक्ट क्या होता था द टेम्पल आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ बेंगोली थैच्ड हट टाइप इन सिंगल और डबल स्टीरियो स्टीरियोज

तो वो बोल बोलना है कि एक ये जो बेंगोली थेस्ट है एक हट टाइप में बनाया गया है सिंगल या फिर डबल स्टीरियोज जो है उसको यूज करके अः मतलब मतलब वो टाइल्स है उसको ही आ, मतलब बना के द वॉल्स जो है वो डेकोरेट किए हैं छोटे छोटे पीसेस में टेरा कोटा के अः बाय उसको कैसे स्टिक किया है जैसे आजकल मॉटर नहीं होता है सीमेंट के साथ स्टिक किया है तो उस दमाने का जो वॉल मॉटर है उसके साथ स्टिक किया गया है फिर उसका जो मोल्ड है वो कैसा है वो क्ले ब्रिक्स जैसा है ओके okay? जैसे हर चीज का एक मोल्ड होता है जब हम पॉटरी करते हैं कुछ करते हैं तो उसका एक मोल्ड होता है तो क्ले का है उसका ब्रिक्स जो है क्ले के है उन्हें क्या किया जाता है बर्न किया जाता है टू मेक अ परमानेंट फॉर्म ऑफ टेराकोटा ओके क्योंकि नॉर्मल भी ब्रिक्स हम देखेंगे उसे थोड़ा सा बर्न किया जाता है जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है वो जो एक, एक उसका इफेक्ट आता है एक लुक आता है वो परमानेंट आता है Uh, जैसे अभी फॉर एक्जाम्पल हम पॉटरी करते किसी ने पॉटरी की है पॉटरी को भी जब हम क्ले रहता है क्ले में फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पॉटरी काइंड ऑफ ऑफ पॉट इन फ्रंट मी का मतलब होता है जो क्ले होता है ना उसका जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें डबल बेस सिंगल बेस में किया जाता है उसे स्टीरियोज बोल रहे हैं तो अभी सपोज ये देखिए दिस इज सपोज अभी ये है ओके okay, ये क्ले का है सो दिस इज मेड ऑफ क्ले तो जब ये वेट था तो वेट जब था तब उसको एक शेप नहीं था बट जब उसे एक हीट uh, दी गई स्ट्रॉन्ग किया गया तब क्या गया उसे एक इफेक्ट मिल गया राइट तो ये बोल रहे है कि ऐसे ही प्रकार से यस विवान मयो सिंग आए यू वॉन्ट टू से समथिंग इज नॉट anything. नो, ओके, ओके, तो इसे कैसे किया जाता है, ऐसे ही इसे बर्न करके उसको एक परमानेंट फॉर्म दिया जाता है वो टेराकोटा के आर्ट को यस विवान यू वांट टू से समथिंग नो मिस ओके सो फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रासलीला जो है सेलिब्रेशन है डिवाइन लव का राधा कृष्णा का

सेंटर में दे आर सेइंग इट्स देर इज राधा कृष्णा ओके राधा कृष्णा के जो अराउंड है देर आर गोपीज एंड गोपाज ओके और फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए हैं एंड uh, ऐसे कितने सर्कल्स है वन जैसे यू एवर सीन वो राधा कृष्णा की रासलीला राधा कृष्णा आर इन बिटवीन उसके तीन सर्कल्स होते है सब गोपियां उनको सर्कल करके uh, सर्कुलेट करती है तो ऐसे ही वो बताया गया है एंड दे हैव ऑल्सो मैंशन सम एनिमल्स आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स बट प्रोबेबली देर आर एनिमल्स तो वो यही बता रहे हैं मे बी ये बीच में सेंटर में यहाँ पे एनिमल्स है बर्ड्स और सब चीजें तो ये बोल रहे हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये जो है रास लीला कर रहे हैं ओके सो दिस इज इट सो हमने ये चैप्टर में क्या सीखा अः uh, lack of डेफिनेटली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ आर्ट बट cannot diminish the creativity in the artist पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो हमें क्या करता है हेल्प भी करता है बट हेल्प करके खुद की सुपरिटी ज्यादा बताता है ओके okay? तो uh, वो बोलते हैं कि इससे क्या होता है एक आर्ट है उसका ग्रोथ रुक जाता है बट ये क्या कर सकती डिमिनिश नहीं कर सकता कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट है उसकी एक्टिविटी डिमिनिश नहीं कर सकता उसे लो नहीं कर सकता

ओके गौरवी कैन सी राधा कृष्णा एंड सम एनिमल्स राइट ओके आई कैन सी राधा कृष्णा आई कैन सी सम ह्यूमंस बट आई वाज नॉट एबल टू ओके वेरी वेल गौरवी सी एवरीबडी कैन आईडेंटिफाई समथिंग ओके इट्स नॉट लाइक इफ आई एम टीचिंग लाइक आई कैन आईडेंटिफाई एवरीथिंग समटाइम्स माई आईज कैनॉट बी लाइक जूमड इन सो मच ओके सो यहाँ पे वो बोल रहे है कि वहां पे जो है बहुत सारे चेंजेस है आर्ट स्टाइल में बिकेम uh, और कब जो इसकी साइज और वो कब बदली सब चीजें हुई जब जैन बुद्धिस्ट और हिंदू इलस्ट्रेटेड मैनोस्क्रिप्ट जब आई फिर राजपूत और मुगल्स की जो पेंटिंग्स है वो स्मॉल फॉर्मेट की थी इन स्पाइट ऑफ इट्स रेड्यूस साइज द एस्थेटिक टेक्निकल क्वालिटी वॉज वेरी हाई स्टैंडर्ड तो उनकी जो पेंटिंग्स थी वो स्मॉल साइज की थी बट उसकी जो टेक्निकल क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की थी ये बताया रहे बिसाइड मीनिएचर पेंटिंग रिलीफ वर्क इन टेराकोटा बिकेम वेरी पॉपुलर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इन वेस्ट बेंगाल मेनी टेम्पल्स पर डेकोरेटेड विथ टाइल्स तो बोल रहे हैं कि ये जो मीनिएचर पेंटिंग्स है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई स्पेशली जो रिलीफ वर्क ऑफ टेराकोटा था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली वेस्ट बेंगाल में मेनी टेम्पल्स पर डेकोरेटेड विथ दिस टाइल्स तो ये बताया गया है तो so, ये हमने चैप्टर में सीखा हमने अभी ये ग्लॉसरी वर्ड्स तो हमने देख लिए ओके okay. फिर अभी uh, ये भी आर द टर्मिनल क्वेश्चन प्लीज सॉल्व द टर्मिनल क्वेश्चन ओके और मुझे कहना है कि दिस इज नेक्स्ट चैप्टर बट अभी कैसे सैटरडे संडे ब्रेक आ रहा है सो नेक्स्ट चैप्टर का जो मैं स्टार्ट हम तभी करेंगी क्योंकि मैं आज उसका स्टार्ट कर दूंगी तो आपको मंडे को याद नहीं रहेगा इसलिए आई एम नॉट हम फोर्थ तो हमें हमारा पेंटिंग का uh, खत्म हो जाना चाहिए और डेटा एंट्री हम स्टार्ट कर देंगे ओके आई थिंक आलिया डिड यू आस्क आलिया या कौन मुझे पूछ रहा था कि ये हमारे अक्टूबर एग्जाम्स के लिए है के, who

Yeah, I will. Uh, okay, no, more. Okay, Alia, uh, Vivan, Mehkur, Safan, Arin, uh, Shumela, is it clear? Yes. Any doubts? No. No. Okay. Okay, so please uh, solve the terminal questions, and I hope everybody is doing well and uh, i hope everybody is solving the terminal questions and studying at home because it's very important for you all to study now so take care bye bye if any questions are there you can message me personally or you can post it in the group so bye bye have a nice day bye bye